हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्मूदी बोल। ये है बीट रूट स्मूदी बोल, बहुत ही इंस्टेंट है, बस एक मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। और इसके लिए कोई भी फ्रोजन फ्रूट की हमें ज़रूरत नहीं है और इसमें हम कोई स्वीटनर भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। आपके वेट लॉस की जर्नी में ये बहुत ही अच्छी रेसिपी साबित होगी। आप इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए 2 टेबलस्पून कर्ड या फिर योगर्ट। योगर्ट अच्छी रहती है, अगर ना मिले तो कर्ड। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बीट रूट लिया है, जिसे मैंने स्मॉल पीसेस में कट करके लिया है। 1 बनाना को मैंने चॉप्ड करके लिया है। और कैरेट लिया है मैंने स्मॉल पोर्शन में। कैरेट ऑप्शनल है, लेकिन डालने से अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सारे चीज़ों को एक मिक्सिंग जार में हम डाल देंगे और इनका एक स्मूथ पेस्ट हमें बना लेना है। अब एक बोल ले लेंगे, उसमें हम सारा मिक्सचर हमारा डाल देंगे और ऊपर से अब डालेंगे हम टॉपिंग्स। टॉपिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स, पीनट्स मुझे बहुत पसंद है। और डाला है 1 टीस्पून मैंने रोस्टेड फ्लैक्सीड, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ऊपर से मैंने डाला है फ्रूट में ग्रेप्स। ग्रेप्स को मैंने ऐसे तिरछा काट के ना ऐसे हार्ट शेप में बना लिया है, तो रेड बोल और ऊपर से हार्ट कितना अच्छा लग रहा है ना। फ्रेश फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अपने फेवरेट फ्रूट्स या फिर सीजनल फ्रूट्स को आप डालना। और हाँ, रेशियो आपको पता रहनी चाहिए कि ड्राई फ्रूट आप 20-30% ही डालना, ज़्यादा मत डालना। तो देखिए हमारा क्यूट सा बोल बन के रेडी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और उतना ही हेल्दी है। आप इसे अपने वेट लॉस की जर्नी में ज़रूर इंक्लूड करना। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।